माने ही प्रेस वेल हु लव्स वेल बोथ मेन एंड बॉस एंड बी, वही प्रार्थना सबसे अच्छी प्रार्थना है। मैं फारबिसगंज जा रहा हूँ ब्लॉक काम करने के लिए। अभी मैं बैनर पेंटिंग के लिए मैं अभी आया हूँ, और बैनर पेंटिंग के लिए और अपना सिविल वाला बैनर बनाने के लिए अभी मैं प्रिंटिंग प्रेस में आया हूँ। और ये मैं प्रिंटिंग प्रेस है, और ये मेरा प्रिंटिंग प्रेस है, इसी में मैं अभी बैनर बनाने के लिए आया हूँ। अभी मैं यहाँ देखिए अभी मैं आया हूँ माँ तारा में, और अभी मैं प्रिंटिंग कराने के लिए अपने लोअर पेंशन वार्ड नंबर 14 में जो सिविल में लगा रहा हूँ वृद्धा पेंशन का, और पेंशन का जो मैं सिविल लगाना जा रहा हूँ मैं उसी के लिए मैं भी आया हूँ फारबिसगंज में माँ तारा प्रिंटिंग प्रेस में, और वहाँ मैं काम अभी करा रहा हूँ। अभी मेरा ये अभी मैं कंप्यूटर के द्वारा ये सब काम हो चुका है, और आप देख सकते हैं यहाँ कंप्यूटर पर मैं अपना काम कर चुका हूँ। अभी देखिए मेरा लैपटॉप में भी मेरा सिविल का ऑलरेडी मेरा फोटो पे सब आ चुका है, और यहाँ पे काम हुआ इससे जाते हैं। यहाँ पे ये प्रिंट करने के लिए गया है अंदर में, थोड़ा देर में प्रिंट करके सिविल का वो बैनर निकलेगा, और बैनर निकलने के साथ ही फिर मैं इसको ले आकर फिर मैं एक ये सिविल लगाने के में एक बहुत सारा काम आएगा बैनर का, ताकि इस बैनर के जरिए मैं अपने जनता को मैसेज दे सकूँ, और जहाँ सिविल लग रहा है उसमें डेट स्थान और आपको दिन सब चीज़ का यानी ज्ञान दिया जाएगा। फिर अब मैं भी छपाई मेरे इसमें प्रिंटिंग उसमें प्रिंटिंग का जो आपको मशीन लगाया हुआ है वहाँ पे अभी वो काम चल रहा है, और अभी प्रिंटिंग छपाई हो रही है, और बहुत जल्द आपको ये प्रिंट करके मेरा निकलेगा बैनर, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ बैनर मेरा निकलने के बाद, फिर आपको दिखाता हूँ कि बैनर कैसा बना, उस हिसाब से मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ। ये यहाँ पर ये प्रिंट के लिए आपको छप चुका है ये बैनर, देख सकते हैं ये बैनर मेरा छप करके तैयार हो गया है, और मैं ये बैनर लेकर के मैं निकल रहा हूँ वार्ड, और सिविल के लिए मेरी तैयारी चल रही है, और अभी मैं बहुत सारा चीज़ें फोटोकॉपी मुझे कराना है डॉक्यूमेंट सबका, उसके लिए भी मैं जा रहा हूँ, और ये कम्प्लीट हो गया मेरा बैनर आप देख सकते हैं। अभी मैं प्रिंटिंग प्रेस से मैं निकल गया हूँ, और मैं वो डॉक्यूमेंट को फोटोकॉपी करने के लिए मैं जा रहा हूँ, और फिलहाल मैं टोटल डॉक्यूमेंट का मैं तैयारी चल रहा है, मेरा नगर परिषद वार्ड नंबर 14 का जो कैंप है मेरा उस कैंप की मेरी तैयारी चल रही है, मैं खुद अपने से ये कैंप का तैयारी कर रहा हूँ, और इसलिए और हमारे जनता का आशीर्वाद के वजह से मैं अपना मेहनत कर रहा हूँ, और मुझे वाकई में मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि जनता का मैं ज़्यादा से ज़्यादा तक सेवा कर सकूँ, और उनको परेशान ना होने दूँ, और घर बैठे उनका हर चीज़ योजना का लाभ उनको मिल सके, इसलिए मैं तैयार कर, देखिए मेरा बैनर तैयार है, अभी मैं तैयार हो चुका हूँ, अब मैं जा रहा हूँ, जो डॉक्यूमेंट सब है जो सर्टिफिकेट है दस्तावेज है सबको मैं एक सेटअप तैयार कर रहा हूँ, ताकि जनता को कहीं डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट के लिए दौड़ना ना पड़े। चलिए मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ प्रिंटिंग ऑफिस से, और मैं देखिए मैं प्रिंटिंग ऑफिस से मैं निकल गया हूँ, और ये मेरा प्रिंटिंग ऑफिस है ये माँ तारा, और अभी से मैं यहाँ डॉक्यूमेंट सब लेकर के मैं जा रहा हूँ। प्यास लग गया है, अब मैं भाई के पास आया हूँ, और केतारी का गन्ना का जूस पी रहा हूँ, और चाय बना रहे हैं देख सकते हैं, सबसे बच रहा है कितना देर से बच रहा है। मैं निकल रहा हूँ शिविर के लिए, स्थान में चुन किया हूँ, और राजू भैया टेंट हाउस वाले को मैंने बुलाया है, और राजू भैया अभी आ रहे हैं, और वहाँ आके कर देखते हैं हम लोग स्थान चेंज किए हैं कहाँ पे कैसे क्या शिविर लगेगा, कहाँ पे कैसे क्या प्रोग्राम करना है, राजू भैया को बुलाया है, और वो आते हैं, हम लोग चेक करेंगे कैसे क्या है, वो भी आपको दिखा रहे हैं हम लोग शिविर का तैयारी कैसे कैसे कर रहे हैं, कहाँ पर स्थान चेंज कर रहे हैं, कैसे क्या रिपोर्ट है, कब रखा जाएगा, सब चीज़ आपको जानकारी दे रहे हैं। अभी हम घर से निकल रहे हैं शिविर के स्थान का, जहाँ पर चयनित किया गया है वहाँ पर टेंट का काम होगा, उस हिसाब से वहाँ शिविर लगेगा। चलिए देखिए अभी हम आए हुए हैं आपको फिरोज शाह से मिलने, उनका तबीयत ख़राब है, और उनसे मुलाकात और जो शिविर लगाने वाले हैं उस शिविर का भी जानकारी देने के लिए वार्ड के जनता लोग आए हुए हैं, और वार्ड लोग को जनता का शिविर का जानकारी दिए हैं कि किस सोमवार को जो शिविर लगेगा उस हिसाब से कैसे क्या वहाँ वितरण होगा फॉर्म का, सबका जानकारी देने के लिए हम आए हुए हैं, जानकारी दे रहे हैं, और मैं इसे यूट्यूब के जरिए मैं अभी फाइनल में बताऊँगा कैसे कैसे क्या मैं शिविर के लिए कैसे कैसे क्या मैं प्रोसेस कर रहा हूँ। अभी वहाँ राजू भी आए हुए हैं, वहाँ पर टेंट लगाना है, वहाँ जहाँ शिविर है वहाँ कैसे क्या करना है, अभी मैंने फ़ोन किया तो मैं भी वहीं जा रहा हूँ।
देखिए अभी हम जनता के पास आए हुए हैं, ये सब जनता है मेरे, इनको भी मैं बताने के लिए आया हूँ कि जो मैं कार्यक्रम करने जा रहा हूँ उसका मैं जानकारी दे रहा हूँ, और ताकि इस जानकारी से अपना वो आगे का वो काम डॉक्यूमेंट सब तैयार कर सके। अच्छा, देखिए ये राजीव भैया को हम बुलाया है, ये साहू धर्मशाला है, और साहू धर्मशाला में उनसे श्यामिया से मेरी बात हुई है कि सोमवार को कोई प्रोग्राम नहीं है, और मैं इसी सोमवार को मैं के वृद्धा और विधवा और मौसमात और इसका विधवा और विकलांग का शिविर का मैं एक फॉर्म वितरण का कार्यक्रम मैं चालू कर रहा हूँ, जो यहाँ पे उसको मैं रख के मैं फॉर्म वितरण करूँगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे क्या क्या है, इसका मैं डिटेल्स फिर आप नेक्स्ट वीडियो में देता हूँ। अभी मैं आया हूँ यहाँ पर टेंट लगाने के लिए, जो हमारे राजू भैया से मेरी बात हो चुकी है, और सोमवार को ये 10 बजे से लेकर के शिविर शाम 4 बजे तक ये शिविर चलेगा, और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट क्या 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 सेटअप होगा इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आप इसी में आप देख सकते हैं। लास्ट में आप उससे हमारे सर है जिनसे हमने पढ़ा मैथ, और हमारे बेटियों को पढ़ा दिया जी, मेरी बेटी को भी पढ़ाया गया। और देखिए अभी सर विकलांग का मैं शिविर लगाने के लिए मैं आया हूँ सर, और ये काम कैसा है सर बताइए। बहुत सर। अच्छा, बहुत अच्छा। ये सब जो है आपका दिन दुना रात दुना होगा, और मतलब जो है मैंने ही प्रेस वेल हु लव वेल बॉथ मेन एंड बॉस एंड बी, वही प्रार्थना सबसे अच्छी प्रार्थना है जो सभी पर दया करे, और जो विकलांग है जो और लाचार है उसको सहायता देना, यह तो बहुत बड़ा मतलब अल्लाह का शुक्र जी सर। वही सर अभी टेंट वाले लोग को बुलाए थे भैया लोग को, और सोमवार का दिन रखा, जबकि सोमवार को सोमवारी भी है लेकिन हम 10 बजे के बाद का टाइम रखे हैं, क्योंकि 10 से लेकर 4 बजे तक उस दिन सब घर पर रहेंगे ताकि आराम से शिविर का लाभ ले सके, क्योंकि फिर डैम फिर हम लोग का मंगल के दिन हम लोग का बोर्ड मीटिंग है, फिर नेक्स्ट आपको फिर मुहर्रम है, इस बीच हम लोग का टाइम मिल नहीं पा रहा है। अभी हम सिर्फ फॉर्म वितरण करने का शिविर लगाए हैं ताकि फॉर्म वितरण करके सभी को फॉर्म मिल जाए, क्या क्या उसमें लग रहा है, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट, सब डॉक्यूमेंट की जानकारी सबको मिल सके, उसके बाद फिर नेक्स्ट शिविर लगाएंगे कलेक्शन का। देख वृद्धा पेंशन छे तो ना मिल रहा है ना, कहाँ मिल रही है ना, 400 टका मिल रहा है। झूठ की आवाज बहन। हाँ तो सुन, वृद्धा पेंशन मिल रहा है, आराम से पैसा खा फिर रहते पैसा, कोई दिक्कत नहीं छे। अब जा तू इधर अपन जैसा अहाँ और सब योजना होते आगे खबर मिल जाते, ठीक छे। अब जा तू जा आराम पर, और कोई बात काट नहीं दल हमदार। कौन काट, राशन कार्ड, राशन कार्ड नहीं चाहते, राशन कार्ड, राशन कार्ड कहाँ ले, ठीक छे चल हम देखे छे कहाँ पे की काम छे, ठीक छे। अच्छा जा तू जा 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 अभी आराम कर, बीरी ले, बीरी दे, बीरी दे कर। देखिए आप क्या चीज के लिए, यही गाड़ी वो वाला है, वो ई रिक्शा वाला, वो ये थी ट्रैवल, हाँ वो ट्रैवल है, ऐसे करिए चलेगा। हाँ हाँ तीन पहिया, हाँ तीन पहिया वाला, वो जो नहीं दिखाए थे वीडियो में पुलिस साहब का, वही वाला है। वही तो ठीक है, तो आप उसको जाइए और कल आप वहाँ पर सोमवार को 10 से 4 के पीछे पहुँच जाइएगा कागज सब लेकर, ठीक है। ठीक, वाई बना ली है ना, सब ठीक बन रहा, सब तैयार है ना। कल की ना बना ली, वही दिन आप बने लिए रहा, वही में छोड़ देने रहिए, निकल के ले आ। ठीक से, ठीक ये बहुत अब हम चलवे, कौन सी गाड़ी दिया तू, पहले फॉर्म भरा सोमवार के दिन, तोहर तोहर वाला फॉर्म अलग जाते विशेष जगह, क्योंकि तोहर ई रिक्शा वाला फॉर्म से, ठीक छे। ठीक छे, जा रहा छे, पर इधर से सफर दे, इधर से सफर दे। हाँ आवे छे, हाँ बोला, क्या राशन, ठीक है तो हम राशन के लिए बात करते हैं हम प्रकाश जी से। देखिए अभी हम आए हैं यहाँ पर गरीब टोला में, ये हमारे प्रमोद भैया है, अभी हम लोग प्रमोद भैया के साथ अभी हम लोग बात उत किए हैं सुबह के। ये देखिए हमारे प्रमोद भैया है, और प्रमोद भैया के पास गरीब टोला हम आए हुए हैं, ये इनका घर हो गया, ये अभी हो गई, ये दादी है, अब आप देख सकते हैं ये गरीब टोला वाले बैठे हुए, आइए। तो इसमें प्रमोद भैया अभी जो हम लोग जो काम चालू किए हैं, ये जो कैंप का जो चालू किए हैं, आपसे बात हुई है इसके बारे में, कुछ बताइए कैसा है ये काम मेरा जो काम। कम से कम गरीब सबका जो बैठले सब काम हो जाएगा, अपना घर अच्छा हो जाएगा सब। इसमें ये कैसा लग रहा है, ये जो काम का जो पहल हो रहा है, ये कैसा लग रहा है आपको, कैसा इससे क्या अच्छा लग रहा है, इससे गरीब को क्या फायदा पहुँचने वाला है। बहुत फायदा, कम से कम घूमना तो नहीं पड़ेगा गरीब को,
हाँ प्रणाम सर। कहीं तो जाना नहीं पड़ेगा नगर परिषद कहीं। यहाँ पर सोमवार के हाँ जी 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 हाँ नमस्ते भाई। क्या हुआ पानी पड़ा है ना? ये देखिए संजय भैया बता रहे हैं कि यहाँ पर का लाइट है लेकिन उस पर क्या करना है? उसको मरम्मत कराना, वो ठीक है, उसका तार टूटा हुआ सर। और तार टूटा तभी हम सब फोन करते हैं मुकेश को बुलवाते हैं उसको पड़ेगा। देखिए अभी हम जो ये इस तरह कैंप लगाए आप लोगों को खबर किए कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा बात है, खुशी की बात है ये तो कि हमारे जनसेवक लगा रहे हैं हमारा नेता। इस शिविर से तो बहुत सारे फायदा होगा। हाँ, बहुत ज़्यादा फायदा होगा इससे। बहुत अच्छा है। चलिए ठीक है। थोड़ा सा ट्रेनों का सीन देखे मुझे अभी जो हम इसको कैंप के बारे में बात आपसे किए हैं तो कैंप से कैसे क्या लग रहा है, क्या आपको किस तरीके से कैसा इसका प्रयास कैसा है? नहीं बहुत अच्छा है, कम से कम वृद्धा पेंशन वाले सबको जो इतना दिन से परेशान हो रहे हैं आपके थ्रू अच्छा हो उसके काम काज। ये जो पहले भी हम इस चाह रहे हैं कि इससे पहले बहुत सारा चीज़ है जिसमें आपको राशन कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, विकलांग है, विधवा है और आपको पारिवारिक लाभ है, 20,000 रुपया 10,000 रुपया गवर्नमेंट सब दे रही है। अगर जब तक फॉर्म नहीं भरेंगे तब तक उसको मिलने का चांस नहीं है। हम इसी इलाज चाह रहे हैं ताकि उसका फॉर्म भरा जाए, ताकि उसको मिला जाए, उस हिसाब से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये सब देखिए ये हमारे भाई लोग चाह रहे हैं तो भाई लोग तो उस हिसाब से प्रयास हम लोग कर रहे हैं भैया। और अभी राजू भैया से बात करके वहाँ टेंट का भी बात किए हैं कुछ थोड़ा उससे, अगर मौसम अगर धूप रहा तो, अगर मौसम खराब रहा तो फिर देखेंगे क्या, क्योंकि धर्मशाला में कर रहे हैं तो उस हिसाब से जगह का भी बात है, भविष्य में बारिश होती है तो हम लोग अंदर भी जगह सेटअप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग बाहर में ही हल्का खुला हुआ टेंट लगा रहे हैं और वहाँ पानी का व्यवस्था रखे हैं। और इस तरीके से आप लोग भी पहुँचे, आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करिए। और हम अभी फिलहाल वहाँ पर फॉर्म वितरण कर रहे हैं, फॉर्म वितरण का ही एक शिविर लगाया है ताकि वहाँ हर पब्लिक को हर योजना हर मद का फॉर्म उसको मिल सके, ताकि उसका वो फिर फॉर्म फिलअप करके फिर उसको उसी फिर नेक्स्ट शिविर जो लगेगा उसमें वो जमा करना है ताकि उनको उनसे लाभ मिल सके, ताकि हम सिस्टम से काम शुरू कर रहे हैं ताकि कोई परेशान ना हो। आज जो आपको यानी कि जिस हिसाब से जो परेशानी हो रही है, जिस हिसाब से अधिक पैसा दे करके कोई राशन कार्ड बना रहे हैं, कोई वृद्धा पेंशन भर रहे हैं, कोई मौसमात पेंशन भर रहे हैं, अनाप शनाप पैसा दे करके उसको यानी कि भरना मजबूरी, क्योंकि करने वाला नहीं है, मजबूरी कराना पड़ रहा है उन लोग को, क्योंकि अभी आयुष्मान कार्ड का भी अनाप शनाप पैसा लेकर सब आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं जहाँ तक हम जानकारी, अभी हम 2-3 महीना से कंटिन्यू इसमें बिजी थे जानकारी लेकर, अभी हम अपना शिविर का प्रयास किए हैं, बहुत सारा जानकारी फॉर्म मिला है, हम उसी को लेकर प्रयास शुरू कर रहे हैं। आप लोग आशीर्वाद रहे तो इसको हमको कामयाबी मिले एकदम जरूर जी। चलिए ठीक है, आप लोग उस समय रहेंगे उस दिन, थोड़ा सा मौका दीजिएगा जी, आप लोग आइएगा थोड़ा सा हिम्मत बनेगा, क्योंकि आप लोग हमारे वार्ड की जनता है, आप लोग से हिम्मत से हम आगे काम के लिए बढ़े हैं और आप लोग का उसको सहयोग चाहिए उस दिन। ऐसे कम से कम घूमते फिरते कोई कमी बिजली का तो बताइएगा उसमें, एकदम आएंगे। ठीक है भाई, धन्यवाद। बीच में खड़ा हुआ है। आज का वीडियो अच्छा है, गुड बाय इस वक्त के लिए।